अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप लोगों को पता है वर्ल्ड कप फुटबॉल का चल रहा है और इसी के दौरान सऊदी अरब और कतार के बीच जो है मतलब फ़र्क कितना है आप लोग देखते रहे। ये वीडियो आजकल सोशल मीडिया में बहुत वायरल हो रहा है, इसलिए मैंने सोचा आप लोगों के साथ ये वीडियो शेयर करते हैं, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिए, देखा कीजिए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये खतर का नजारा है। खतर के अंदर फुटबॉल का वर्ल्ड कप होने वाला है, जिसके चलते ये तैयारियां की गई है। पूरे के पूरे मुल्क को दुल्हन की तरह सजा दिया गया है। 2017 से 2021 तक सऊदी अरब की जानिब से खतर के ऊपर ब्लॉकेट लगाया गया था, खतर का जीना मुश्किल कर दिया गया था। लेकिन 2021 में आखिरकार सऊदी अरब ने खतर के सामने घुटने टेक दिए और जो इलीगल ब्लॉकेट सऊदी ने लगाया था वो ब्लॉकेट भी उसने हटा लिया। खतर की ये कामयाबी देखकर सऊदी के चाहने वालों को बहुत ही ज्यादा तकलीफ हो रही है, क्योंकि फुटबॉल का वर्ल्ड कप शुरू होने वाला है। इसी वजह से काफी सारे मुल्क से लोग आए थे और काफी सारे लोग म्यूजिक लगाकर नाच रहे थे। रात का वक्त हो चुका था, उसके बावजूद म्यूजिक चल रहा था, लेकिन ईशा की अजान हुई। जैसे ही ईशा की अजान हुई, हुकूमत ने क्या किया, तमाम के तमाम म्यूजिक बॉक्सेस को बंद करा दिया। और ये कल का ही नजारा है, ईशा के वक्त का नजारा है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं सऊदी अरब का क्या हाल है। एक जानिब खतर की हुकूमत म्यूजिक को बंद करा रही है अजान के वक्त, वहीं दूसरी जानिब आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं अजान के टाइम के ऊपर सऊदी अरब के अंदर म्यूजिक चल रहा है। और इन लोगों ने क्या किया, मस्जिदों के इमामों से कह दिया कि आवाज मस्जिद से बाहर नहीं आनी चाहिए। ये तो सऊदी अरब का नजारा आपने देखा, वहीं दूसरी जानिब खतर के अंदर क्या माहौल था कल रात का, आप लोग देखकर हैरान हो जाएंगे। इस्लाम की दावत देने के लिए ये लोग क्या कर रहे हैं, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, कुरान की आयतों को दीवारों के ऊपर लिखवा रहे हैं। वहीं दूसरी जानिब सऊदी अरब का क्या हाल है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। आम पब्लिक जो शो देखने आई थी उनको भी कहा गया आइए डांस करिए, और आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कुछ खवातीन खड़ी हुई और वो लोग नाचने के लिए चली गई। वीडियो से आपने अंदाजा लगा लिया होगा सऊदी अरब भी अरब से ताल्लुक रखते हैं, खतर वाले भी अरब से ताल्लुक रखते हैं। लेकिन खतर से कुछ ऐसे भी वीडियो सामने आ रहे हैं, जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं डॉक्टर जाकिर नायक जो कि एक कंट्रोवर्शियल स्कॉलर है, उनके भी वीडियो सामने आए। करोड़ों लोग एक साथ मैच देखेंगे, दुनिया भर से लोग आएंगे और बताया ये जा रहा है कि वो लोग डॉक्टर जाकिर नायक को भी टेलीकास्ट करने वाले हैं। और जाकिर नायक को लेकर पुराने वीडियो भी सामने आ रहे हैं, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं 6 साल पुराना वीडियो लोग दोबारा शेयर कर रहे हैं और कह रहे हैं कि फीफा वर्ल्ड कप शुरू हो चुका है और डॉक्टर जाकिर नायक ने यहाँ पर लोगों से इस्लाम कबूल करने लगा है। ऐसे पुराने वीडियो के ऊपर बिल्कुल भी यकीन मत करिए। जहां तक डॉक्टर जाकिर नायक की बात है, डॉक्टर जाकिर नायक काफी सारी कंट्रीज में बैन है, यहां तक के इंडिया में भी डॉक्टर जाकिर नायक बैन है। और हो सकता है कि व्हाट्सएप वगैरह के ऊपर ये फेक वीडियोस भी काफी सारे लोग शेयर करेंगे। डॉक्टर जाकिर नायक के खिलाफ संगीन मुकदमे भी दर्ज है, जिसको लेकर भी काफी सारे लोग नाराज है। काफी सारे लोगों का कहना है कि डॉक्टर जाकिर नायक को बुलाकर खतर ने अपने ही पैर के ऊपर कुल्हाड़ी मार ली। तो आप लोग क्या राय, इससे मुताल्लिक कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिए। तो इंशाल्लाह अगले वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा कितना फर्क है, अगर ये वीडियो आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और हमारे लिए इस चैनल के लिए एक सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और पास में बेल आइकन को ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।